हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आज आप लोग देख रहे हो थंबनेल से, आज हम लोग झारखंड आईटीआई 2023 का जो आप लोग का फॉर्म में यदि कुछ गलती हुआ होगा, कुछ त्रुटि हुआ होगा, तो आप किस तरह से इसको एडिट कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग प्रोविजनल जो मेरिट लिस्ट आया है उसका भी वीडियो मैंने नहीं बताया, जो देख पा रहे हो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, इसको किस तरह से चेक करना है। उसमें सीएमएल रैंक होता है और एक जनरल रैंक होता है, या मतलब कैटेगरी रैंक होता है, तो आपको किस तरह से वो चेक कर सकते हो, इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि देख पा रहे हो एक इंपॉर्टेंट नोटिस में आप लोग दिख जाएगा कि आप लोग का जो है सत्र 2023-24 मतलब एक साल के लिए हो गया 23-24, और 2 साल के लिए 23-25 के लिए क्या है आईटीआई का निकला हुआ है, ठीक है, आवेदन हेतु। तो यहाँ देखो प्रोविजनल जो मेरिट लिस्ट है वो 8-7 को आ चुका था, बट मैंने वीडियो बना के नहीं बताया था क्योंकि मैंने सोचा एडिट डेट और ये साथ ही में मैं आप लोग को बताऊँ, तो इसलिए मैंने नहीं बताया, ठीक है। तो ये 8 तारीख को ही आ चुका है आप लोग का प्रोविजनल। यदि आप चेक किए होंगे तो अच्छा बात है, नहीं चेक किए होंगे किस तरह से करना है, पूरा प्रोसेस कितना में आप लोग का हो सकता है, पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। इसके अलावा आप देखो रजिस्ट्रेशन नंबर से अपना रैंक देख सकते हो। देखो और मतलब अगर किसी अभ्यर्थी को किसी ऑब्जेक्शन है, मतलब कोई त्रुटि है, तो आप 10 से 12 तक के बीच आप जो है पोर्टल में ग्रीवेंस डाल के, ठीक है, अथवा टोल फ्री पर कॉल करके सुधार कर सकते हैं, ठीक है। ग्रीवेंस मतलब होता है शिकायत करके, या टोल फ्री नंबर से सुधार करके, वो भी आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताएंगे किस तरह सुधार कर सकते हो। और आप लोग का जो फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करेंगे तो आप लोग का 14-7 को प्रकाशित होगा, जो आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। तो इतना दूर आप लोग समझ में आ चुका है। इसके बाद जब मेरिट लिस्ट आ जाएगा, इसके बाद आप लोग क्या करना है, चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लॉग इन करके आपको क्या आप लोग ट्रेड और आईटीआई भरेंगे, कौन सा कॉलेज लेना है, कौन सा ट्रेड लेना है, ठीक है। तो इतना दूर उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को पूरा प्रोसेस आप लोग बताएंगे, ठीक है। आपको ये कार्ड देना है, आप जैसे ही आओगे पहले आप देख लोगे, यहाँ आप लोग पहले बताते हैं हम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट वाला ऑप्शन तो बताते हैं, ठीक है। तो यहीं पर देख पा रहे जब ये साइट पर आओगे आप लोग बताते हैं कहाँ कैसे आओगे। सिंपली आप गूगल में आने के बाद आप क्या कर दोगे, आप झारखंड आईटीआई लिख दोगे, ठीक है। ये पहला साइड आएगा, आप यहाँ क्लिक कर दोगे, इस तरह का क्लिक आएगा, इस तरह का इंटरफेस आएगा, इस तरह का पॉप मैसेज जो आप लोग अभी बताया हम वो नजर आएगा आप लोग को। यहीं पर आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाएगा सर्च प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, यहीं पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर दे के यहाँ पे सर्च करोगे आप लोग का आ जाएगा। मैं आप लोगों को सर्च करके अभी बताता हूँ, ठीक है। जैसे ही आप लिख लोगे आप लोग का इस तरह का इंटरफेस नजर आ जाएगा आपको। यहीं पे जो जिसका आप क्लिक करोगे उसका पूरा डिटेल दिख जाएगा, उसका जो है देख पा रहे हो इस केस में देख पा रहे हो, इनका जो देख पा रहे हो सीएमएल रैंक जो कितना है 32,000 सॉरी 37,296, और कैटेगरी जो है जनरल है, यहाँ कैटेगरी आप लोगों को दिख जाएगा, और कैटेगरी रैंक कितना है 5,884, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो। यदि आप लोग ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस रैंक दिखेगा, दिव्यांग में या विकलांग में आते तो यहाँ दिखेगा, आप लोग को एक एक चीज समझ में आ गया होगा। तो अब देखो अब सबको डाउट है सर कितना रैंक तक आएगा, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। यदि आप लोग का सीएमसी रैंक, यदि हम एक मिनिमम बता रहे हैं, ये नहीं है कि मैं बता दिया बोले सर मेरा नहीं हुआ आप बताए कि हो जाएगा, तो नहीं। देखो सीएमसी रैंक यदि बात करें आप लोग का 5,000-6,000 के अंदर यदि हो तो आप लोग का चांस है 90% की हो जाना चाहिए। और कैटेगरी रैंक की यदि बात करें 2,000 के अंदर यदि आप लोग का नजर आए तो आप लोग का 100% जो है होना ही है, ठीक है। ये मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं अगली बार देखा 1500 तो ले लिया था, ठीक है। तो आप लोग का ये देख सकते हो कि मेरे केस में तो बहुत ज़्यादा है, मेरा कम चांस है। फिर भी आप लोग का हो नहीं हो आप लोग जो है चॉइस फिलिंग करोगे, इसके बाद ही आप लोग को पता चलेगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर करें, ठीक है, उम्मीद करते समझ। यदि एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना है सिर्फ आपको, यदि आप लोग का सीएमसी रैंक 5,000 के अंदर है तो आप सोच लोगे कि हाँ मेरा हो सकता है, ठीक है, और कैटेगरी रैंक 2,000 के अंदर होगा तो समझ लो कि हो सकता है, ठीक है। एक चीज़ आप लोग को बस इतना आइडिया आ चुका होगा कि कितना तक हो सकता है, ठीक है, उम्मीद करते हैं। लेकिन आप लोग को चॉइस जो क्या बोलते हैं कॉलेज चॉइस और ट्रेड चॉइस आपको करना है, ठीक है, एक चीज़ समझ में आ गया होगा। अब आप लोग को बताते हैं एडिट और सुधार आप लोग किस तरह कर सकते हो, ठीक है। आप लोग सिंपली इसको हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब हम यदि बात करें एडिट का तो आपको झारखंड के साइड में आ जाना है आपको, ठीक है, आ जाओगे इस तरह का, आपको पता है किस तरह से आना है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का पता है आपको, इस तरह से आना है, यहाँ पे सर्च कर सकते हो। अब हम यदि एडमिशन की बात करें तो आपको यहाँ पे एडमिशन वाला सेक्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना, देख लो फिर से यहाँ एडमिशन वाला क्लिक हो, यहाँ पे क्लिक करोगे आप लोग, यहीं पर आप लोगों को सब चीज़ डिटेल मिल जाएगा आप लोग का कि 15/6 से स्टार्ट हुआ था, लास्ट डेट 5/7 को था, और मेरे जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो आप लोग को बताए हम सीएमसी रैंक और कैटेगरी रैंक आप किस तरह से देख सकते हो, ये 8 तारीख को आ चुका था, मैंने ये वीडियो बनाया। अब जो है करेक्शन डेट जो है 10 से 12 तारीख तक आप लोग करेक्शन कर सकते हो। करेक्शन अभी आप लोग को हम एक पॉपअप मैसेज के माध्यम से बताया है कि आप करेक्शन 2 तरह से कर सकते हो। एक आप टोल फ्री नंबर, ये जो देख पा रहे हो टोल फ्री नंबर, यहाँ से कॉल करके कर सकते हो, नहीं तो आप देख पा रहे हो एडमिशन ग्रीवेंस वाले ऑप्शन में जाके आप लोग कर सकते हो। तो दोनों ही प्रोसेस आप लोग को अभी समझाएंगे हम, ठीक है। और देखो ये देखो 14/7 को आप लोग का क्या आ जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, वो भी आप लोग वीडियो के माध्यम से बता देंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। इसके अलावा आप लोग का जो फर्स्ट राउंड जो है फिलिंग होगा ट्रेड का कॉलेज का, तो आप लोगों को 17/7/2023 को होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना दूर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं आप लोग एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखो आप लोग का जो करेक्शन की बात करें, यदि आप त्रुटि हुआ आप करेक्शन करना चाहते हो, आप ये टोल फ्री नंबर के साथ आप लोग कोशिश करोगे तो बहुत ही दिक्कत होगा ये आप, क्योंकि समझ रहे 2-3 दिन का टाइम दिया है, उसमें बहुत पूरा झारखंड का लड़का ट्राई करेगा, ये गलती जितना ना करे फिर भी 20-30% लोगों का गलती हुआ ही होगा।
तो आप लोग कॉल करोगे नहीं होगा, समझ लो कि नहीं लगे या कुछ भी कारण हो नहीं लगे, तो आप लोगों को क्या करना है, कॉल के भरोसे नहीं रखना है, कॉल के भरोसे नहीं रखना है। आप लोग को यहाँ देखो एडमिशन ग्रीवेंस का ऑप्शन दिखेगा, यहीं से आप लोग करना है, ठीक है। ये ऑप्शन आपको दो जगह से मिल जाएगा, ठीक है। देखो आपको यहाँ में भी एक आप लोग आपको ऑप्शन ले लेगा, देख पा रहे यहाँ पे इसी मेन साइड में आओगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा व्यू वाला ऑप्शन, यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लोग ऑप्शन क्लिक करोगे, यहीं पे आप लोग देखो यहाँ पे देखो यदि मतलब कॉल के माध्यम से यदि करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे तीन नंबर मिल जाएगा, तीनों नंबर से आपको जहाँ भी आप लोग का लगे आप लोग वो माध्यम से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो आप लोग कर सकते हो तीन माध्यम से, बाई चांस आप लोग का कॉल के माध्यम से नहीं लगे, ठीक है, तो आप लोग को यहाँ देख पा रहे हैं, देखो एक लॉग इन करके हम देखो एक देख पा रहे हो आप लोग लॉग इन, जब लॉग इन सेक्शन में आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एडमिशन आप लोग को ग्रीक बैंक, यहाँ पे क्लिक करोगे तो देख पा रहे हो यहाँ पे आप लोग का खुल जाएगा। इसके अलावा यदि यहाँ नहीं क्लिक करोगे देखो ये दो ऑप्शन आप लोग को यहाँ दिखेगा, आप लोग को दिखाते हैं हम फिर से होम में जाते हैं हम, देखो एक फिर से हम एडमिशन सेक्शन में जाते हैं। अब देखो यहाँ पे हम इस बार लॉगिन नहीं किए, हम सिर्फ पेज में हैं और यहाँ पे हम देखते हैं एडमिशन रिक्वेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ भी ले रहा है सुबह जो कर रहे थे सर्वर डाउन है, तो आप ये यहाँ से कर सकते हो या आप लॉगिन में आके कहीं से भी यहाँ पे आके ये जो लॉगिन वाले ऑप्शन पे आके ये नहीं है एडमिशन वाले ऑप्शन में आके ये लॉगिन वाले ऑप्शन में आके यहाँ से क्लिक कर सकते हो या वहाँ से क्लिक कर सकते हो, जहाँ से भी हो सके आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप लोग को ग्रीक्वेंसिंग फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा, तो आप लोग को सिलेक्ट कर लेना आप क्या है, तो आप स्टूडेंट सेलेक्ट कर लोगे, यहाँ पे अपना पूरा नाम सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जो है पूरा नाम अपना सेलेक्ट कर लोगे, समझ लो आप लोग का नाम रोहित या कुछ भी हो आप लोग का अपना पूरा नाम लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपना ईमेल आईडी जो ईमेल आईडी दिए थे, ठीक है, हम ये कैपिटल लिख रहे हैं, आप लोग को छोटा में लिखना जैसा है आप लोग का, ठीक है। इस तरह से आप लोग का ईमेल आईडी पूरा लिख दोगे, जो मोबाइल नंबर आप लोग फॉर्म फिलअप के टाइम दिए होंगे, ठीक है, वो मोबाइल नंबर आप लोगों को क्लिक करना है। इसके बाद आपको पूरा एड्रेस भी फिलअप करना है जो फॉर्म फिलअप के साथ आप लोग किए होंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग का डिटेल ऑफ ग्रीक्वेंसी, ठीक है, कॉरिज मतलब आप लोग जो है क्या सीख मतलब क्या चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे आप लोग डिटेल में भरना है आप लोग को, समझ लो समझ लो कि आप लोग का दो चीज़ गलत है, समझ लो कि नाम डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो सिंपली आप पहले नाम कर दोगे इस तरह से, आप लोग का नाम आप लोग जो नाम है आप लोग कर दोगे इस तरह से। इसके बाद आप लोग नीचे क्या कर देना है, आप लोग को करेक्शन लिख देना है, करेक्शन करेक्शन नेम इस तरह से, ठीक है, करेक्शन नेम कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग न्यू नेम कर सकते हो जो आप लोग को सुविधा लगे, मैं कहूँगा कि करेक्शन नेम ही करें, ठीक है। तो नाम कर दोगे पहले नेम आप लोग का जो था वो लिख दोगे, इसके बाद करेक्शन नाम पे आप लोग जो करेक्शन करना है, ठीक है, आप समझ लो कि मुझे दीपक करना है तो इस तरह से कर दोगे, ठीक है। इसी तरह से यदि आप लोग का डेट ऑफ बर्थ हो या कुछ और कोई चीज़ भी गलत हो, तो आप जैसे कि डेट ऑफ बर्थ समझ लो गलत हो अभी आप लोग का जो हो 1/1/1998 इस तरह से कर दोगे, यहाँ पे कर दोगे करेक्शन डेट ऑफ बर्थ आप लोग इस तरह से, करेक्शन डेट ऑफ बर्थ करके आप लोग इसके अलावा जितना आप लोग का होगा, ठीक है, 1/2/1998 कुछ भी होगा इस तरह से आप लोग डेट ऑफ बर्थ मोबाइल जो आप लोग देख लोगे अपने फॉर्म में एक एक चीज़ क्या मेरा गलत है, एड्रेस होगा तो एड्रेस भी कर सकते हो यहाँ तो लिखोगे, इसके अलावा करेक्शन के वाला पुराने वाला भी कर दोगे और ये कर दोगे। करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट पीडीएफ का ऑप्शन दिखेगा आपको, और यहाँ पे आप लोग का पीडीएफ का जो साइज बोला गया 200 KB से कम बोला गया है, आप जो सही जो कर रहे हो उसके लिए आपको प्रूफ देना होगा, प्रूफ के लिए आप क्या दोगे, आप क्या बोलते हैं मार्कशीट दे दोगे, यदि आप लोग का 200 KB के अंदर यदि आ जाता है तो आप आधार कार्ड भी डाल सकते हो, इसके अलावा एक दो सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हो एक ही पीडीएफ में, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग का एक सिर्फ एक पीडीएफ भी दे सकते हो, आप लोग को जो सुविधा लगे वो अपने मुताबिक कर सकते हो, ठीक है। यदि नहीं हो तो आप एक मार्कशीट रिटर्न करके आप लोग कर सकते हो और सिंपली सबमिट कर दोगे, आप लोग का रिक्वेस्ट वो लोग के पास चल जाएगा, ठीक है। और यदि आप लोग का वो डेट के माध्यम से नहीं होता है, यदि जो डेट आप लोग बताया गया तो वो आप लोग को बताएगा कि आप मतलब वो कह सकते हो मेल के माध्यम से, सर इतना तारीख को मैंने आप लोग का रिक्वेस्ट भेजा था फिर भी मेरा चेंज नहीं हुआ, तो आप लोग ये करके जरूर रख लेना है, ठीक है। और एक चीज आप लोग को हम समझा देते हैं, ये तो समझ में आ गया है, कर लेना है आप लोग को, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग को रिस्क नहीं लेना है, रिस्क नहीं लेना, कहने का मतलब आप देख सिर्फ कॉल ही कर सोच, कोई कोई सोचता है वो कॉल करके मैं कर लूँगा, या आप लोग कॉल यदि लगे कॉल से भी करना चाहते हो ठीक है, लेकिन ये रिक्वेस्ट तो आप लोग को जरूर डाल देना है ताकि आप लोग भविष्य में बता सकते हो कि सर हम कर दिए थे आप लोग नहीं किए, ठीक है। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब समझ रहे हो कि 2 दिन का टाइम है और बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। एक एक चीज़ हम लोग समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग को रख लेना, क्योंकि 14 तारीख को मैट लिस्ट आएगा आप लोग को, उसके माध्यम से मैं बता दूँ इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा कि क्या होगा किसको कैसे करना है, ठीक है। और जो क्या जो ट्रेड फीलिंग कैसे करना है आप लोग, एक चीज़ इस वीडियो इस चैनल के माध्यम से ही आपको मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और एक चीज़ ये जो मैं डिटेल में बताया आप लोग को, ये जो डिटेल आप लोग डायरेक्ट भी आ सकते हो, इसके अलावा आप जो है ये झारखंड अपडेट वाला जो साइड है वहाँ से भी झार अपडेट क्लिक करोगे, ये देखो झार अपडेट यहाँ से भी आप आ सकते हो, झार अपडेट वाला ऑप्शन क्लिक करोगे यहाँ पे झार अपडेट आएगा, यहाँ पे आओगे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो झारखंड आईटीआई 2023 का ऑप्शन आप लोग को मिल जाएगा, यहीं पे रात जाओगे यहाँ पे आओगे यहाँ पे एक ही चीज़ आप लोग डिटेल में हिंदी में, यदि आप कुछ डिटेल में कुछ जानना चाहते हो या कुछ भी, तो हर एक चीज़ डिटेल में मिल जाएगा। देखो स्टार्टिंग डेट 15, लास्ट डेट 15/5 जुलाई, एक एक चीज़ आपको डिटेल से मिल जाएगा कब था कुछ चीज़, फाइनल मैच 14 को आएगा, एक एक चीज़ आप लोग को मिल जाएगा। यहीं पर जब आप नीचे आओगे तो आप लोग को दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा, फाइनल
फाइनल मैच लिस्ट अभी आया नहीं है, यहाँ पे देख पा रहे हो एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रोविजनल मैच लिस्ट, तो यहाँ पे हम क्लिक करके आपको बताते हैं हम, ठीक है क्लिक करेंगे हम तो यहाँ पे आप लोगों को दो सेक्शन मिल जाएगा, देख पा रहे हो यहाँ पे देख पा रहे हो प्रोविजनल मैच लिस्ट 2008 का आ जाएगा और 10 का आ जाएगा। तो आप जो डायरेक्ट साइड में जाओगे तो यहाँ एक ही ऑप्शन दिखेगा आप लोग को, तो किसी को कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ तो प्रोविजनल मैच लिस्ट है यहाँ अलग अलग डाला हुआ है, तो ये नहीं देखो यहाँ पे 8 पे क्लिक करोगे तो भी आप लोग का वही पेज खुलेगा, और आप यदि 10 वाले सेक्शन में क्लिक करोगे तो भी वही पेज खुलेगा आप लोग, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं एक एक चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आके देख पाते हो ITI काउंसलिंग का भी आप लोग का दिया होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काउंसलिंग आप लोग का कब होगा स्टार्टिंग डेट, यहाँ पे अभी कंफर्म नहीं किया है राउंड वन का है, ठीक है ये टोटल राउंड वन का काउंसलिंग है कब से होगा, एक एक डेट आप लोग को यहीं मिल जाएगा, एक एक चीज़ डिटेल में आप लोग को ये जो झार अपडेट वाली साइड में मिल जाएगा, ठीक है एक एक चीज़ मिल जाएगा। देखो अब देखो यहाँ राउंड टू की बात करें, देखो राउंड वन में जो है कोई फीस आप लोग का नहीं रहेगा, आप लोग एक चीज़ जान लो, ठीक है। यदि आप लोग का CMC रैंक और कैटी रैंक बहुत ही ज़्यादा है तो आप लोग राउंड पहला राउंड में करें आप लोग काउंसलिंग, दूसरा राउंड के लिए नहीं रखना, क्यों क्योंकि दूसरा राउंड में जब करोगे देख पा रहे हो एक चीज़ आप लोग दिखा देते हैं हम, देखो देखो राउंड वन का यदि बात करें तो कोई फीस आप लोग को नहीं लगेगा, देखो राउंड वन की बात करें किसी कोई भी कैटेगरी से आप लोग आते होंगे तो कोई फीस आप लोग को नहीं लगेगा, लेकिन यही यदि आप लोग समझ लो कि आप लोग का बहुत ज़्यादा रैंक है बहुत ज़्यादा, फिर भी आप चाहते हो कि हम ट्राई मारेंगे तो राउंड वन में ही रखे, क्योंकि राउंड टू के लिए नहीं रखे, क्योंकि राउंड टू में आप लोग का 200 रुपया जनरल में लग जाएगा, जनरल OBC का और SC ST का 100 रुपया लग जाएगा, ठीक है PH कैटेगरी का कोई फीस नहीं लगेगा। तो आप लोग कोशिश करें, क्या कोशिश करना कि राउंड वन में ही मैं कर लूँ, ठीक है। उम्मीद करते हैं एक एक चीज़ आप लोग को डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दे, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। तो मिलते हैं आप लोग साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।